आज मैं आपको कुड को यूज करने का तरीका बताऊंगा। बहुत प्यारा टॉपिक है। पूरी क्लास को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, कुड का यूज सबसे पहले आप समझिए कैन के पास्ट के रूप में। सका आपको जब बोलना है, सका वाला सेंटेंस, जैसे मैं आज अपना काम पूरा नहीं कर सका, आई कुड नॉट कम्प्लीट माई वर्क टूडे। रोहित कल स्कूल नहीं जा सका, रोहित कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। मैं कल तुमसे नहीं मिल सका, आई कुड नॉट मीट यू यस्टरडे। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें कुड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रक्चर वही रहेगा जो आपने टेंस में पढ़ा है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड, वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नॉट का यूज हो जाएगा कुड के बाद। इंटरोगेटिव में कुड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ठीक है, और डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड, फिर कुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से मैं इसको और आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको कहना है कि मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर सका, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे। रोहित कल मेरे घर नहीं आ सका, रोहित कुड नॉट कम टू माई होम यस्टरडे। मैं कल उससे नहीं मिल सका, आई कुड नॉट मीट हिम यस्टरडे। वह मुझे नहीं समझा सका, ही कुडंट कन्विंस मी। मैं कल अपनी फाइल टाइम पर जमा नहीं कर सका, आई कुडंट सबमिट माई फाइल ऑन टाइम यस्टरडे। मैं कल अपना काम मुश्किल से ही पूरा कर सका, आई कुड हार्डली कम्प्लीट माई वर्क यस्टरडे। ये सारे एग्जाम्पल से आप कुड बेहतर तरीके से समझ सकते हो। चलो, कुड का आप दूसरा यूज करने का तरीका सीखो। आप कुड का यूज कर सकते हो फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए। रिक्वेस्ट हमेशा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में होता है। कुड यू प्लीज कनेक्ट मी टू मिस्टर राहुल। आप किसी से जब बात करते हो फोन पर, तो आप कैसे कहते हो? कुड यू प्लीज कनेक्ट मी टू मिस्टर राहुल। ठीक है, आप बैंक में जाते हो और कहते हो मेरा बैलेंस चेक करके मुझे बता दीजिए। कुड यू प्लीज चेक माई बैलेंस, कुड यू प्लीज चेक माई बैलेंस। आप इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हो। आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो आप कहते हो कुड यू प्लीज सेंड मी द इन्फॉर्मेशन, कुड यू प्लीज सेंड मी द इन्फॉर्मेशन। क्या आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? ठीक है, इस तरीके से आपको कुड का यूज करना है फॉर्मल रिक्वेस्ट करते टाइम। ठीक है, अब देखिए कुड का यूज आपको पास्ट परफेक्ट में कैसे करना है, मतलब एक ऐसा काम जो आप कर सकते थे और आपने नहीं किया। जैसे मैं कल क्रिकेट खेल सकता था लेकिन नहीं खेला आपने। ठीक है, मैं उसकी शादी में जा सकता था लेकिन नहीं गया। मैं कल क्लास अटेंड कर सकता था लेकिन नहीं अटेंड किया। तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए आपको कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मैं कल क्लास अटेंड कर सकता था, आई कुड हैव अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। मैं कल उसकी शादी में जा सकता था, आई कुड हैव अटेंडेड हिज मैरिज यस्टरडे। मैं उसे समझा सकता था, आई कुड हैव कन्विंस्ड हिम। देखो, समझा सकता था लेकिन समझाया नहीं। वह कल मेरे घर आ सकता था, ही कुड हैव कम टू माई होम। ये कुछ कुड हैव वाले सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, कई बार कुड हैव के जगह माइट हैव का भी यूज होता है। जैसे मैं एक कार खरीद सकता था, आई कुड हैव बॉट अ कार। ठीक है, अब यहाँ पर माइट हैव का भी यूज आप कर सकते हो, आई माइट हैव बॉट अ कार। दोनों ही सेंटेंसेस सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन एग्जाम्पल से कुड को समझने में राहत मिली होगी। कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स बचे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में आपसे पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।